बहुत देर से परेशान करके रखी है कि बुआ इसको छीलिए छीलिए, तो मैं जा रही हूँ अब छीलने। इसका गला कटेगा, ओए ऐसे इसका मटर होएगा, चलो काटो। जय महेश्वरी। इसको मर्डर करके खा जाओगे क्या तुम लोग? हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, यूपी बलिया के एक छोटे से गांव से। तो गाइस अभी सुबह का 10 बज रहा है और फिर भी बहुत तेज धूप हो गया है छत पे, तो देख सकते हैं गाइस आज सोना पिरसा की नाना आ रहे हैं और ये दोनों नाना का घर जाएंगी और दो दिन रहेंगी, फिर उसके बाद अपने पापा का घर चली जाएंगी। पाँच दिन पापा कहाँ रहने देंगे, दो दिन रहेंगी और उसके बाद चलेगा। वो जाएगा, मैं तो अकेले रहूंगी, मैंने मम्मी से कह दिया। तो गाइस सोना पिरसा अपने नाना का घर 5 दिन रहने के लिए कह रही हैं और 5 दिन रहेंगी, फिर उसके बाद अपने पापा का घर जाएंगी। तो गाइस अभी 1 घंटे में इनके नाना आएंगे, फिर इन लोग जाएंगे नाना के साथ। देखो क्या कर रही है दोनों को, दोनों छत पे आ करके। ए, छीटो नहीं। मिक्कू की मम्मी नहीं आ रही है। मैंने सोचा क्या? उसने सोचा है ना? किसने सोचा? पिरसा ने सोचा कि अमन भैया की मम्मी आ रही है। अमन भैया के मम्मी से तो मुलाकात हो चुकी है गाइस। पिरसा की आज छोटी वाली बुआ भी आ रही है और मिक्कू भी आ रहा है इन दोनों से मिलने के लिए, और इन लोग नाना के घर से ही अपने पापा के घर चली जाएगी, इसलिए मुलाकात नहीं होगी। नहीं, हम लोग आधे घंटे तक का उसे मिलेंगे, हम लोग 3 बजे से जाएंगे नाना। गाइस सोना पिरसा अनानास खाने के लिए कह रही है, तो जा रही हूँ मैं अब छीलने इसे। अब इसका मटर, और देखिए ये बैठ गई है, बहुत देर से परेशान करके रखी है कि बुआ इसको छीलिए छीलिए, तो मैं जा रही हूँ अब छीलने। इसका गला कटेगा, ओए ऐसे इसका मटर होएगा, चलो काटो। जय महेश्वरी। इसको मर्डर करके खा जाओगे क्या तुम लोग? हाँ, हाँ। ए सोना ला, इसको ना छेड़खानी ना करो, ला ना मैं काटती हूँ। अबे हट बे, ना लो काटो। इसका क्या होगा? इसका मटर होता है, वो खाएंगे। मर्डर करके खाओगी? हाँ। नहीं मैं तो इसका जूस बना के पी जाऊंगी। फिर ये रोने लगेगा, तो रोने दो, कोई बात नहीं। हाँ रोने दो, ये भी रोने लगेगा, इसका जान चला जाएगा। इसका टकला फोड़ दो। हाँ वैसे भी गाइस ये देखिए बुआ उसका मर्डर कर रही है बैठ के, पहले उसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही है। प्रीसा बहुत देर से परेशान है ये अनानास खाने के लिए, और मम्मी से करी कि मम्मी मुझे फ्रूट खाना है, फ्रूट खाना है, और अभी इसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही है। उसको यही वाला फ्रूट खाना है, चमड़ी उधेड़ी जा रही है, नहीं खाना है प्रीसा को, उसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही बेचारे की। तो क्या करे भैया, उसको उठा के फेंक दो, अब उसकी हड्डी दिखने लग गई। हड्डी दिख रही है? हाँ, हाँ। ब्राउन ब्राउन कलर की। अच्छा अच्छा, ये हड्डी नहीं है पागल। क्या? इसका बाल है, इसका बाल है। बाल नहीं है, बाल तो चमड़ी के ऊपर होता है, चमड़ी तो उधर देते हैं हम लोग। चलो अब गाइस देखिए आज हम लोग सुबह सुबह वो चाचू से पपीता भी तोड़वाए थे, वो खाए थे, अब अनानास खा रहा है पपीते का पेड़। गाइस इसमें हम बाल निकालते जा रहे हैं, ये दोनों खाने में लगी है, खाते जा रही है। देखा ये नमक है, नमक मिला करके खा रही है। मिक्कू आ गया, सोना दीदी प्रीसा दीदी से मिलने आया है, देखो अपने मम्मी का छोड़ नहीं रहा है, मम्मी का पीछे पीछे लगा है। देखो दीदी दीदी, अमन भी आ गया मिक्कू के साथ, मिक्कू को लेकर के अमन भैया भी आ गए गाइस, देख सकते हैं। चलो दीदी, गाइस प्रीसा के नाना आ चुके हैं और 1 घंटे में अभी निकलेंगे। ये प्रीसा इधर खेल रही है। मिक्कू मसी छोड़ दो बाबू, खराब हो जाएगा, आते आते तार शैतानी शुरू हो गई। हाँ। सोना गाइस, तो सोना देखिए रेडी हो चुकी है और जा रही है। देखा सो पिज्जा कितना खुश हो रही है, चलोगे बाबू? ये भी जाएगा घर में, नहीं जाते हैं क्या?
गाइस तो भाभी गाड़ी पे बैठ चुकी हैं और जा रही है अब अपने गांव। बाय पिसा, बाय सोना। बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। पूरा ले रहा है इसमें नहीं है ना? हाँ उसमें है ही नहीं, बस जूमिंग है। देखा देखा देखा, चढ़ जा चल जा, अबे ऑटो वाले लेकर चले जाएंगे लेके भाग। कहाँ जाओगे बताओ? अब उतरेगा कैसे मिको? है मिको, लेकर भाग जाएंगे ऑटो वाले। तो मटकोरा होने जा रहे हैं गाइस। उधर केकर मटकोरा होता हो, हम देखो थोड़ा ला रिकॉर्डिंग करते हैं। बलिए नहीं जाना है अभी, इसके अंदर जा सकते हैं। तो मैं अपना पुराना वाला घर अमन को दिखाने लाई हूँ, तो देखो अमन देख रहा है और इधर ब्लॉग भी शूट कर रहा है अपना। तो गाइस देख सकते हैं इधर, देखिए सब गिर गया है और इधर भी। और गाइस इसके अंदर एक रूम है, उसके बाद फिर एक और आंगन है। किला देखे होंगे तो याद होगा, उसी तरह से सेम हमारा घर था। एक रूम के बाद फिर आंगन था, चारों तरफ से घर था, और फिर बीच में घर था, और उसके बाद फिर चारों तरफ से घर है, फिर एक बीच में आंगन है। अकबर का किला जैसा ये घर था पहले, अब तो गिर करके सब टूट गया। देख सकते ये खपड़ेले का घर था, यहाँ पे पूरे खपड़ेले का घर था। अब तो जिसका भी टूट रहा है, किसी का भी खपड़ेले का घर दिखने को नहीं मिल रहा है, सबका घर ईंटे का मिल रहा है। और ये भी टूट गया है, ये तो बना हुआ है। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।